प्रकृति रूपी वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक फलों को खाता है, दूसरा साक्षी है, देखता है। वो कर्माध्यक्ष है, फल प्रदाता है, न्यायाधीश है। करुणा का सागर है, परम दयालु है। क्योंकि परमानंद है, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजिगुप्सते, ततो न विजिगुप्सते। सब प्राणियों में स्थित है वह। हम घृणा किससे करें, द्वेष किससे करें? हम अंतःकरण भिन्न भिन्न हो सकता है, सबके विचार भाव संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं, कर्म है, प्रारब्ध है, सबके संस्कार हैं, सती मूल तद विपाक को जात्यायुर्भोग। तो जाति आयु और भोग प्राप्त हो रहे हैं, मूल में वही है। जाति का अर्थ है मनुष्य जाति, और मनुष्यतर अन्य जो शरीरधारी हैं। जाति का अर्थ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, ये वर्ण है। जाति मतलब मनुष्य जाति, बात खत्म। पक्षी की, पशुओं की, जलचरों की, इनकी जाति, और मनुष्य की जाति। कर्म से और परिवर्तन कितना। दो पक्षी बैठे हैं, वह चेतन व्यापक है, हमारी चेतना सीमित है। सखा है, अनुभव होता है, वह मित्र है हमारा। हम किसी से भयभीत न हो, हमसे कोई भयभीत न हो। हम किसी से भयभीत न हो, हमसे कोई भयभीत न हो। क्यों? क्योंकि परमात्मा करुणा का सागर है, वह प्रेममय है, वहां भय कहाँ है? वहां तो आनंद ही आनंद है, वहां तो प्रेम ही प्रेम है। और जीव भी मानसिक प्रेम पूर्ण संबंधों से मां के गर्भ में आ रहा है। जहां प्रेम का विकास है, जहां प्रेम का विकास है, अनंत करुणा का विकास है, करुणा का सागर है, वहीं परमात्मा है, वहीं परमात्मा है। वो सखा है, हम किससे द्वेष करें?
करूं मैं दुश्मनी किससे, करूं मैं दुश्मनी किससे, जब दुश्मन भी हो अपना, मोहब्बत ने नहीं छोड़ी, मोहब्बत ने नहीं छोड़ी, दिल में जगह अदावत की, दिल में जगह अदावत की। प्रेम का ऐसा प्रवाह जो पवित्र कर देता है, लेकिन मन का भटकाव इतना है, मैं तू यह वह मेरा तुम्हारा, ऐसा बोला ऐसा हुआ ऐसा किया, गांठ बांध के जैसे बिल्कुल रखा है। क्षमा मांगना न क्षमा करना, दोनों नहीं करना, बिल्कुल गांठ बांधे रखना, न क्षमा मांगना और न क्षमा करना, बिल्कुल गांठ बांध के, ऐसा गांठ बांध लेना कि गांठ खुले ना। वेग धैर्य क्षमा और शांति, ये आभूषण हैं मानवता के। मनोविकारों के साथ तो आध्यात्मिक पथ गतिमान नहीं होता। सूर्य के प्रकाश में सब वस्तुएं प्रत्यक्ष हैं, योगी प्रकाश में ही जीता है, अंधेरे में नहीं। योगी प्रकाश में ही जीता है, अंधेरे में नहीं। तो गांठ बांध के क्लेश द्वेष बैठाए रखना, बिल्कुल बोझिल बनाए रखना जीवन को, बोझ बोझ धोते रहना, जीवन बोझिल न बने, जीवन बोझिल न बने। संसार परिवर्तनशील है, कोई वस्तु यहां स्थिर रहने वाली नहीं है, सब कुछ बदल रहा है और हर क्षण बदल रहा है। जीवन की जो सहजता है, जीवन की सरलता है, जीवन की सरसता है, वह नष्ट नहीं होनी चाहिए। बोझ ना बन जाए, बोझिल ना बन जाए, सहज हो, सरस हो, सरल हो, स्वाभाविक हो, सत्यमय हो, कुछ प्रतिकूल भी लग रहा है तो उसे सहज दृष्टि से समझने का सार्थक प्रयत्न हो, स्वयं में परिवर्तन कर सकते हैं, दूसरों को कितना बदल सकते हैं। दूसरे को परिवर्तित करने का जिम्मा लिए हैं क्या? स्वयं का सुधार दूसरे को भी सुधारने की शक्ति रखता है। जिसका अंतःकरण पवित्रता के पथ पर है, जिसका अंतःकरण शांति के पथ पर है, प्रकाश के पथ पर है, मलिनता नष्ट हो रही है, वह अपनी ऊर्जा से सबको एक दिव्य संदेश तो दे ही रहा है, उसकी प्रभा प्रकाशित हो रही है।
स्वतः सहज स्वाभाविक रूप से उसकी अंतःकरण की शक्तियों से वह प्रकाश सहज प्रकाशित हो रहा है। जिसके पास जो है वह सदैव प्रकाशित हो रहा है, और जिस तरह का अंतःकरण है उसका, उसके मन की जो स्थिति है, जो बुद्धि की स्थिति है, उसके विचारों की जो स्थिति है, उसके चित्त की जो स्थिति है, वो तो है। और हमने अपनी स्थिति में सुधार किया, अपने मन की, अपने बुद्धि की, अपने चित्त की, अपनी वाणी की, अपने विचारों की स्थिति में हमारा सकारात्मक प्रयत्न और पुरुषार्थ है, तब इसका प्रभाव तो पड़ेगा सब पर। गुलाब का फूल है तो आप उसे कहीं रख दो, वो तो सुगंध ही फैलाएगा। तो महकेगा, तो दूसरों के अवगुणों को देखकर अपने अंतःकरण को मलिन करेंगे तब खेल बिगड़ जाएगा। आपको अपने अंतःकरण को बिल्कुल चकाचक रखना है, अंतःकरण स्वच्छ रहे। दूसरे आपके अंतःकरण को अशुद्ध कर दें तब या दूसरों को देखकर हमारा अंतःकरण मलिन होने लगे तब इसका मतलब हमारी स्थिति कहाँ है, हमारा मन किस भूमिका में है, हमारी बुद्धि की स्थिति क्या है, हमारे चित्त की स्थिति क्या है। जब दूसरा हमको रिमोट से घुमा रहा है तब हम कहाँ हैं, हमारी आत्मिक स्थिति का क्या हुआ, हमारा आत्मिक बल कहाँ है, हम अपने पद से गिर गए। अंतःकरण मलिन न हो, स्वच्छता की तरफ बढ़ता रहे, ये प्रयत्न है योगी का, और वह सत्य के आचरण से होगा। शरीर की शुद्धि जल से होती है, बार बार शरीर अशुद्ध हो जाता है, बार बार शरीर अशुद्ध हो जाता है, मन की शुद्धि सत्य से। अंतःकरण की शुद्धि इससे होती है, ब्रह्म विद्या से, तप के अभ्यास से, ज्ञान की निरंतरता से, सत्संग के प्रवाह से, सेवा सत्संग और साधना से। जल तो केवल शरीर को शुद्ध करता है कुछ क्षण के लिए, विचारों को शुद्ध किया जा सकता है क्या बाह्य स्नान से? सूर्य के प्रकाश से विचारों को शुद्ध किया जा सकता है? शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं कुछ सीमा तक, शरीर को और वो भी बारंबार अपने अशुद्धि के धर्म को धारण कर लेता है। बाहर का सूर्य भीतर के अंधेरे को नहीं नष्ट कर सकता,
बाहर का सूर्य भीतर के अंधेरे को नष्ट नहीं कर सकता, बाहर का जल आंतरिक शुद्धि नहीं कर सकता। धोए जा रहे हैं, पवित्र नदियों का स्नान केवल शरीर को धो रहा है, विचारों के उतार चढ़ाव को, अंतःकरण की अशुद्धि को। जब हमारी चेतना का विकास होता है, परम सत्य से हमारी चेतना संस्पर्शित होने लगती है, तो जीवन और सत्य दो नहीं है। जो जीवन को समझना चाहते हैं, इसका अर्थ है वो सत्य को जानना चाहते हैं। सत्य है क्या? जीवन और सत्य दो नहीं, आप जीवन कहिए, आप सत्य कहिए। आधार जीवन का परमात्मा है। जीवन और सत्य दो नहीं, जो जीवन को समझना चाहते हैं, ये जीवन है क्या, इसका अर्थ है वो अंधेरे से दूर जाना चाहते हैं। वे प्रकाश से प्रेम कर रखते हैं, परम प्रेममय ईश्वर है वो, प्रकाश चाहते हैं। जो जीवन को समझना चाहते हैं, ये जीवन है क्या, इसका अर्थ है वे सत्य को जानना चाहते हैं। जीवनम परमोत्कृष्टः प्रसादो जगती पते तस्य तत्त्वं रहस्यं च ये विदुस्ते मनीषिणः। जीवन परम उत्कृष्ट है, ईश्वर का महान प्रसाद है, तो प्रसाद दे दिया है, तो करुणा सागर है, कृपा निधान है, परम दयालु है, उसने प्रसाद दे दिया। मौका दे दिया, बिल्कुल लॉटरी लग गई है। अब है क्या ये जीवन? प्रसाद तो दे दिया, प्रसाद है क्या पता ही नहीं चला, जीवन नष्ट। जीवन क्या है, इसका अनुभव ना हो सका तो किस लिए दिया था प्रसाद, चखा ही नहीं। ये मानव जीवन ईश्वर का प्रसाद है, प्रसाद दे दिया, प्रसन्न होकर ले लो प्रसाद। प्रसाद दिया है, केवल शरीर को पुष्ट रखने के लिए नहीं दिया है, ये प्रसाद दे दिया है। शरीर खूब इस पर चमका कर रखो, खूब भोगों में लिप्त रखो, संसारे में डुबाए रखो शरीर में, इसीलिए दिया है। ये है क्या जीवन? सत्य क्या है? इस ज्ञान के लिए दिया है।